कप्तान गिल का अर्धशतक तो आया लेकिन दो युवा खिलाड़ियों का बना बनाया कैरियर खाया। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, हम बात कर रहे हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ हुई तीसरे टी20 मुकाबले की, जहां पर भारतीय टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए, जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिम्बाब्वे को ध्वस्त किया है, पस्त किया है, 23 रनों से मुकाबला अपने नाम किया है। और इस मुकाबले की बात करें तो खासियत इस मुकाबले में ये रही कि जो पहले दो मुकाबले में फ्लॉप खिलाड़ी थे, नाम था उनका शुभमन गिल, जो कि इस दौरे पे भारतीय टीम के कप्तान हैं, उन्होंने अर्धशतक ठोक डाला है। ये अर्धशतक कई मायनों में सवालिए निशान बन बैठा है, क्योंकि अर्धशतक के कारण ये सवाल उठने लगे हैं कि दो दो लोगों का करियर इस श्रृंखला में शुभमन गिल ने बर्बाद किया है। क्या ये अर्धशतक T20 फॉर्मेट में एक्सेप्टेबल है? क्या शुभमन गिल की सोच इस अर्धशतक वाली क्या T20 फॉर्मेट में चलेगी? और क्या शुभमन गिल ने अपनी मनमानी करते हुए यहां पर दो दो युवा खिलाड़ियों के लिए खाई खोद दी है, दो दो युवा खिलाड़ियों का करियर जिम्बाब्वे श्रृंखला में जो बन सकता था वो बिगाड़ दिया है? आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिरकार वो कौन से दो खिलाड़ी हैं, आखिरकार शुभमन गिल के अर्धशतक के कारण कैसे हमारे दो युवा खिलाड़ियों का करियर जो जिम्बाब्वे श्रृंखला में बन सकता था वो कैसे बिगड़ गया, आखिरकार शुभमन गिल ने क्या कुछ कर दिया। तो आपको पहले समझाते हैं, भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी लेती है टॉस जीतकर, वहां पर सबसे पहले और सबसे बड़ा फैसला कप्तानी के तौर पे शुभमन गिल जो लेते हैं वो मनमानी दिखती है, वो थोड़ा सा सेल्फिश फैसला नजर आता है, क्योंकि अभिषेक शर्मा जो पिछले मैच के शतकवीर थे, क्योंकि अभिषेक शर्मा जो लगभग पावर प्ले के ओवरों में बल्लेबाजी करते हैं और पावर प्ले को बेस्ट वे में कोई यूटिलाइज करता है भारतीय क्रिकेट में तो अभिषेक शर्मा करते हैं, ये जग जाहिर है। अभिषेक शर्मा जो कि स्पिनरों के खिलाफ जमकर बरसते हैं और पेसरों के खिलाफ भी जमकर बल्लेबाजी करते हैं पावर प्ले के ओवरों में, अभिषेक शर्मा जो कि चौके और छक्कों की भरमार लगा सकते हैं, नए T20 टेम्पलेट के साथ खेलते हैं, बतौर ओपनर सबसे सफल रहे हैं, उस अभिषेक शर्मा को शुभमन गिल नंबर 3 पर भेज देते हैं और अपने ओपन करने आ जाते हैं यशस्वी जायसवाल के साथ, ये मनमानी करते हैं। ये मनमानी वहां पर शुभमन गिल कर जाते हैं, उनकी जरूरत नहीं थी, उनकी दरकार नहीं थी, और अभिषेक शर्मा को नंबर 3 पर भेज देते हैं। अभिषेक शर्मा जो पिछले मुकाबले में शतक ठोके हुए थे, मैन इन कॉन्फिडेंस थे, उनका कॉन्फिडेंस लूज होता है, वो अपने स्पेशलिस्ट पोजिशन पर नहीं आते हैं और अपना विकेट फेंक देते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो हैं रियान पराग इस वजह से कि भैया शुभमन गिल वहां पर टीम में बने हैं, शुभमन गिल टीम के कप्तान थे तो वो हटाए नहीं गई टीम से, क्योंकि संजू सैमसन की एंट्री हुई, शिवम दुबे की एंट्री हुई, यशस्वी जायसवाल की एंट्री हुई, तो प्लेयरों को एडजस्ट करना था। ये 3 बड़े नामचीन खिलाड़ी थे जो वर्ल्ड कप स्क्वाड के हिस्सा थे, अगर आए हैं तो प्लेइंग 11 में शामिल होंगे ही होंगे, तो कुर्बानी किसकी दी जाए। सबसे बड़ा खिलाड़ी जो कि कगार पे था हटने के वो शुभमन गिल ही थे, वास्तविक तौर पे अगर किसी को हटना चाहिए था T20 फॉर्मेट के दृष्टिकोण से तो शुभमन गिल को हटना चाहिए था। शुभमन गिल चाहते तो बड़ा सैक्रिफाइस दे सकते थे, BCCI चाहती तो बड़ा फैसला ले सकती थी, लेकिन यहां पर शुभमन गिल कप्तान थे, उन्होंने फिर से मनमानी की, रियान पराग को बाहर किया। और रियान पराग जिनको अभी इस श्रृंखला में उतना मौका नहीं मिला है, इस तीसरे T20 मुकाबले से बाहर हो गए, अब उनको मौका भी बहुत कम मिलने वाला है, अब कब मिलेगा भगवान जाने, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो इन दो युवा खिलाड़ियों का अगर किसी ने करियर खाया है तो शुभमन गिल ने खाया है, अर्धशतक जरूर जड़ा है, लेकिन उस अर्धशतक पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि मानसिकता शुभमन गिल की T20 फॉर्मेट वाली नहीं है, प्रिंस हमारे कहे जाते हैं शुभमन गिल, लेकिन अब नए अप्रोच से भारतीय टीम खेल रही है तो शुभमन गिल को भी नया अप्रोच अपनाना चाहिए। शुभमन गिल का 134 का स्ट्राइक रेट यहां पर रहता है, ये सवाल ये निशान खड़ा करता है। वहीं इनके विपरीत ऋतुराज गायकवाड़ 175 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो ये भी अब सवाल ये निशान खड़ा हो जाता है कि शुभमन गिल वो दिन लद गए, आप विराट कोहली नहीं हो, आप को नए टेम्पलेट से, नए फॉर्मेट से खेलना चाहिए। अगर आप अभिषेक शर्मा के स्थान पर ओपन करने आते हो तो दिखाओ कि आप अभिषेक शर्मा से बेहतर खेल सकते हो, दिखाओ कि आप पावर प्ले के ओवरों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप रियान पराग का जगह लेते हो टीम में तो ये भी दिखाओ कि रियान पराग से आप तेज खेल सकते हैं मिडिल ओवर में, तो मिडिल ओवर में भी शुभमन गिल उतनी तेज बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं, ओपन भी करने आते हैं तो पावर प्ले के ओवरों का उतना अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं,
और ये जिम्बाब्वे की बॉलिंग अटैक है, अभी ये कोई ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक नहीं है, इंग्लैंड की बॉलिंग अटैक नहीं है। तो शुभमन गिल के इंटेंट के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। शुभमन गिल का अर्धशतक जरूर आया है, लेकिन ये पारी सेल्फिश पारी कहेगी, ये फैसले सेल्फिश फैसले कहलाएंगे। T20 क्रिकेट में शुभमन गिल अभी डिजर्व नहीं करते हैं स्थान, BCCI को बड़ा फैसला लेना होगा। श्रीलंका के खिलाफ जो T20 श्रृंखला होने वाली है, वहां पर देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार BCCI क्या फैसला लेता है, आखिरकार गौतम गंभीर आएंगे तो क्या फैसला लेंगे, वो अभिषेक शर्मा के साथ ओपन करने को जाएंगे या फिर शुभमन गिल ही भारतीय टीम के मुख्य ओपनर रहने वाले हैं। गंभीर की क्या सोच रहती है, श्रीलंका दौरे पर हमें पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक तो यही इस मुकाबले में प्रतीत हुआ है कि शुभमन गिल ने मनमानी की है, शुभमन गिल ने दो युवा खिलाड़ियों का करियर बर्बाद किया। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।